झारखंड प्रदेश कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के सामने ही कार्यकारी अध्यक्षों और प्रवक्ता आपस में भिड़ गए। अरे दरअसल झारखंड प्रदेश कांग्रेस भवन में महंगाई के खिलाफ आंदोलन की रणनीति को लेकर बैठक हो रही थी। इसी दौरान हंगामा हो गया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रवक्ता के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मौजूद थे। हालांकि रामेश्वर उरांव इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता और अधिकारी उनके बातों को नजरअंदाज करते हुए हंगामा करते रहे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम हंगामा होता देख गुस्से से बाहर निकल गए। हालांकि मामला शांत होते ही कुछ देर बाद पुनः बैठक में शामिल हुए। जब प्रदेश अध्यक्ष से हंगामा और हाथापाई के बारे में पूछा गया तो वे मीडिया पर ही बरस पड़े और कहा, आप लोगों को यहां किसने बुलाया। उन्होंने कहा कि हर परिवार में झगड़ा होता है, कांग्रेस भी एक परिवार है, इसे ज्यादा तेल देने की जरूरत नहीं है। गरबा तो बात होती है, उलझा कहाँ तुम्हारा बेटी भाई का उलझा नहीं। आपस में हॉटक होता है घर में, गालियां होता तक, है गालियां तक चली। नहीं गालियां नहीं चली, गलत बात बोल रहे हैं, गालियां चली एकदम गलत बोल रहे हैं, सरासर गलत बोल रहे हैं। आप सुनाइए हमको, गालियां चली है तो दिखाइए, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप दिखाइए हमको। आप बोल रहे हैं, आप बुलवा रहे हैं, आप दिखा के दिखा दीजिए हमको, सबको दिखाइए कि कहाँ गालियां चली हैं। कल कही गोलियां चली, गालियां चली, ये सब बंद करने कीजिए। आप अपनी स्वतंत्रता का गलत क्या बोलेंगे इस्तेमाल मत कीजिए। हम लोग बोलेंगे, हम लोग पार्टी के हैं। ऐसा क्यों होता है, आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं? एक्शन वो आपका काम नहीं है, एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं ऐसा सुनिए ना। अरे सुनो भैया, तो हम बंद कर देंगे, तब मैं बंद कर दूंगा, मैं मेरी मर्जी है कि मैं बंद कर दूंगा, नहीं बोलूंगा। क्या तमाशा है, ऐसा थोड़े है। घर में लड़ाई नहीं होती है, घर में झगड़ा नहीं होता है, घर में अपनी बात नहीं होती है। ये हमारा परिवार है, आपस में कर रहे हैं, आपका क्या मतलब है इससे? आपको तो आना ही नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ। पार्टी की ओर से आधिकारिक सूचना दी गई है, मीटिंग करने के बाद पार्टी की ओर से आधिकारिक सूचना दी गई है कि इतने बजे से मीटिंग होगा, इसको क्या माना जाए? इसको माना जाए ये है कि हम मीटिंग करेंगे, आपको ब्रीफ करेंगे, इसलिए नहीं बुलाते हैं। ये तो नहीं है कि मीटिंग में बैठ के आप भी गप हमारा सुनिए, ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि मीटिंग में आप भी बैठ जाइए साथ। अभी आप लोग सभी परिपक्व जर्नलिस्ट हैं, मैं ये मानते चलता हूँ सभी परिपक्व, लेकिन क्या इसके पहले हुआ है क्या? इसके पहले गोलियां तक चली है, पार्टी कार्यालय में गोलियां तक चली है। कांग्रेस सुनिए, कांग्रेस इतना ये सब घटना के, आप उसको क्यों ले रहे हैं? कांग्रेस मजबूत रही, क्यों देख रहे हैं आप? मजबूत हुआ लेकिन जिस तरह कांग्रेस, नहीं आपकी बात नहीं मानता मैं आपकी बात को खंडन करता हूं। कांग्रेस मजबूत, अभी हम पलामू डिवीजन में भी करेंगे सिद्धरा का बड़ा रैली, छुट्टी में करने जा रहे हैं, पार्टी मजबूत होगी। ये आपके दो चार आदमी के हम भी खिल्ला के बोल दें तो पार्टी कमजोर नहीं होगी।